सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल सबके। आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ये मूवीज़ पोस्टपोन क्यों होती है। अब ये मूवीज़ का मतलब एक दोस्तों अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर एनिमल और योद्धा मूवी भी जो कि पोस्टपोन हो चुकी है और अब ये मूवीज़ डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिसंबर में देखने को मिलने वाली है। अब इनके पीछे का कारण क्या है, चूँकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको मैं मेनली केवल दो रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। सो बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट रीजन की ओर। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट रीजन कुछ इस प्रकार का है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे मूवीज के जो कि यहाँ पर मेकर्स होते हैं वो अपने मूवीज को दोस्तों हड़बड़ी में अपनी रिलीज डेट यहाँ पर दे देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे एनिमल मूवी की। अब एनिमल मूवी का मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि दोस्तों ये मूवी जो कि अभी अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग में भी है और अभी अभी पोस्टपोन भी हुई है। अब बात करें दोस्तों हमारे एनिमल मूवी की, तो यहाँ पर एनिमल मूवी दोस्तों यहाँ पर जब इस समय पोस्टपोन हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने बस यही बोल दिया था कि यह मूवी गदर 2 की वजह से पोस्टपोन हुई है और सनी पाजी की वजह से इस मूवी को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इतना यहाँ पर ट्रोल किया। एनिमल मूवी के जो कि यहाँ पर डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, उनका दोस्तों यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिप्लाई आया और उन्होंने बताया कि हमारे इस मूवी में थोड़ा VFX और वगैरह वगैरह का दोस्तों यहाँ पर काम है और उसी की वजह से दोस्तों हमने इस मूवी को यहाँ पर दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया। दोस्तों यह था मेरा यहाँ पर पहला कारण और अब बात करते हैं हमारे सेकेंड रीजन की। अब दोस्तों सेकेंड रीजन जानने से पहले अगर आपने देखा दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे फर्स्ट रीजन में मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी बड़ी बड़ी मूवीज पोस्टपोन होती है उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि यहाँ पर बहुत सारे मूवीज में जो कि यहाँ पर काम रह जाता है यहाँ पर VFX है उसकी वजह से यहाँ पर ये मूवीज पोस्टपोन होती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे मेकर्स क्या करते हैं कि अपने मूवीज की दोस्तों हाइप बढ़ाने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एजेंट मूवी को ले लेते हैं, उन्होंने यहाँ पर हमारी पहली रिलीज डेट रखी थी यहाँ पर 12 जनवरी को, जो कि दोस्तों उस समय यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मूवीज भी रिलीज हो रही थी, जैसे कि वारिस हो गई, यहाँ पर थुनी हो गई, वीरा सिम्हा रेड्डी, वेल्टर वीरैया, ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही थी और उसे देखते चलते यहाँ पर एजेंट मूवी के मेकर्स ने भी यही सोचा था कि इस मूवी की हाइप बनेगी और यह मूवी भी अच्छा खासा पैसा कमाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे समय निकट आता गया उनके मन में यह डर बैठ गया, क्या पता यह मूवी हमारी फ्लॉप हो जाएगी या फिर नहीं, और यहाँ पर उल्टा सीधा यहाँ पर जवाब देकर यहाँ पर इस मूवी को दोस्तों यहाँ पर 28 अप्रैल तक यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया और यहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस को बस यही बताया इस मूवी में एक गाना को यहाँ पर शूट करना था, उसी की वजह से हमने इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों कारण सिर्फ इसका उल्टा ही था, इस मूवी को हाइप के लिए यहाँ पर दोस्तों इस मूवी की यहाँ पर पहले रिलीज डेट रखी गई थी और लेकिन बाद में इसी मूवी का दोस्तों यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया। अब दोस्तों अगर आप इन दोनों एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट रीजन में बस यही था, अगर बहुत सारे मेकर्स जो कि यहाँ पर अपनी मूवीज़ को यहाँ पर अच्छे से रिलीज दिलाना चाहते हैं तो अपनी मूवीज़ को यहाँ पर पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और सेकंड रीजन में यही है कि बिना सोचे समझे ही इस मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए बहुत सारे मूवीज़ ही अपने यहाँ पर बड़ी बड़ी मूवीज जो कि रिलीज होती है उस समय अपनी मूवीज़ को बीच में घुसोड़ देते हैं और बाद में वही जाकर यहाँ पर यह मूवी डिजास्टर साबित हो जाती है। अगर दोस्तों मैं आपको एक आखिरी लाइन बोलूँ तो यहाँ पर बहुत सारी मूवी जो कि यहाँ पर पोस्टपोन होती है और दूसरी बात फिर दूसरी यहाँ पर रिलीज डेट पर वो मूवीज रिलीज होती है तो यहाँ पर 90% चांस है कि वो मूवीज फ्लॉप ही हो जाती है। अब जैसे शकुंतलाम, एजेंट और आदि पुरुष, इन सभी मूवीज के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पर आपके सामने आपको पता है कि ये मूवीज कितनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही और आपको फाइनली आपको पता चल ही गया होगा कि ये मूवीज पोस्टपोन क्यों होती है और पोस्टपोन के बाद की कैसे यहाँ पर डिजास्टर होती है वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में आपको बता दिया है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।